तो ये आ गया अपना मैकबुक प्रो, ये आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है, 1:30 बज रहा है यहाँ का। और आज भी थोड़ा सा पार्शली क्लाउडी सा है यहाँ पे वेदर देखो। और अभी उस दिन जैसे अभी कल वाला जो आपने वीडियो में देखा था, कितनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ठंडा हो गया था क्योंकि उससे पिछले दिन बहुत तेज़ तूफान आया था यहाँ पे। बट अभी तो थोड़ा सा फ़र्क है उसमें कि थोड़ा सा क्लियर हो गया, अब थोड़ा वार्म भी है। तो आज जो जाने का पर्पस है ना, वो ये है कि जो मैं को खुद जो मैकबुक लेना है वो मैं आज लेने जा रहा हूँ। मेरा वाला क्या है, एक्चुअली हम लोग दो मैकबुक्स ले रहे हैं। तो एक तो जो जिसके लिए मैं पिछली बार गया था वो ले रहे हैं, 15 इंच वाला जो नया वाला M2 है वो वाला ले रहे हैं। और उसको उसमें क्या स्टोरेज वगैरह बढ़ा दी और चार्जर वगैरह चेंज कर दिया, तो उसकी प्राइस तो मतलब थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो इस वजह से वो कस्टमाइज़ करवाया था। तो वो तो आएगा 29th को, उसका तो मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, उसको पैसे दे चुका हूँ। और जो मेरा वाला है वो आज आ गया है, तो मैं ले रहा हूँ M2 मैक्स वाला जो 16 इंच का आता है। तो मतलब ये जो मैकबुक के अंदर जो सबसे पावरफुल वाला, सबसे बड़े साइज़ वाला जो मैकबुक है वो वाला है अपना। तो बस उसको मैं आज लेने जा रहा हूँ, तो अभी वो लेके फिर उसको सेटअप करूँगा और बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। तो वहीं जा रहा हूँ जो लास्ट टाइम गया था, स्क्वायर वन पे एप्पल का शोरूम है, बस वहीं जाऊँगा। और देखो आज तो क्लियर है मौसम, शुक्र आज हवा नहीं चल रही, उस दिन बहुत ठंड लग रही थी हवा से। ये अपनी वो बिल्डिंग्स आ गई। यहाँ पे कनाडा में ना मौसम इतना ज़्यादा चेंज होता है, मतलब सुबह ठंडा होगा तो रात को एकदम, मतलब दोपहर को एकदम गर्मी हो जाएगी, फिर रात को फिर ठंडा हो जाएगा एकदम, और मतलब चेंज होता रहता है ऐसे, आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर अभी ऐसा गर्मी से हो रही है, धूप निकल रही है, अभी हो सकता है थोड़ी देर में बारिश आ जाए यहाँ पे, तो बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल नहीं है। और अभी तो चलो तो गर्मी आए यहाँ पे, जब स्नो आनी स्टार्ट होती है तो स्नो के आने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है, एकदम से स्नो पड़ रही है, फिर 5 मिनट बाद एकदम गर्मम हो गया एकदम, तो यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं यहाँ छाता वाता लेके हमेशा चलना चाहिए। अभी तो मेरे को लेना भी पड़ेगा, छाता मैंने लिया ही नहीं अभी तक, उस दिन भी बारिश में भीग गया था एक बार में। तो देखो इधर हाईवे के आसपास देखो कितना इन्हें क्लीन मेंटेन कर रखा है। इस अपार्टमेंट के अंदर तो भैया पता नहीं कितना महंगे हुए, आराम से छोटे छोटे जो घर की प्राइस है वही यहाँ पे 8 से 9 करोड़ रुपए है। तो पता नहीं फ्लैट्स की प्राइस तो आप गेस कर ही सकते हो, मेरे ख्याल में होंगे 15 से 20 करोड़ से नीचे नहीं होंगे, क्योंकि एरिया भी ऐसा है देखो एकदम कि 401 बोलते हैं, ऐसे 401 आई है 401। यहाँ पे सारे हाईवेज के ऐसे नंबर्स ही नंबर्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से नंबर पर आपको जाके कौन सा हाईवे लेना। तो घर लो ना, तो यहाँ पे लो देखो, ये तो इसकी अपार्टमेंट की एंट्रेंस है, बट ये इनके ना यहाँ पे ये प्राइवेट टाइप वाले घर हैं इनके। देखो क्या मतलब कितनी सुंदर जगह, देखो घर हैं इनके, ये वाले इंडिविजुअल घर हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये इस बिल्डिंग में ही है, मतलब बिल्डिंग के पार्ट में ही है उसी सोसाइटी के अंदर। ये देखो लोगों ने बाहर अपना सामान चेयर में लगा रखी है, ये देखो कोई खड़ा दिया, मैं ज़्यादा नहीं प्राइवेसी डिस्टर्ब करता इनकी, पर देखो एकदम स्ट्रीट के पास यहाँ वैसी डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ ऑन तो ज़्यादा बजाते नहीं लोग, तो ये चीज़ अच्छी है। और बाकी पास कितना है स्क्वायर वन से, देखो ये वापस कॉलेज की साइड आ गई। अब आज इधर संडे है, तो ये देखो थोड़ी इधर भीड़ ज़्यादा है, ये सारे लोग इधर मूवी शूवी देखने आए हैं। वैसे मूवी देखना बहुत एक्सपेंसिव है, देखो टेस्ला खड़ी, मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ $25-30 की मिनिमम टिकट है। ये दबा दो फिर ये हो गई, देखो ग्रीन नहीं होती, ब्लू होती है यहाँ लगी लाइट, अब ये फ्लैश करने लग जाएगी रेड में, ये उतना टाइम बचा है। इधर ही कैफेज वगैरह हैं थोड़े, हिम्मत नहीं हुई बस जाने की अभी तक, पर है अगर किसी को जाना हो तो। देखो GMC का ट्रक देखो कितना बड़ा, लाइट्स का सिस्टम थोड़ा सा इधर कॉम्प्लेक्स है, बट आपको कुछ टाइम इधर आदत लग जाएगी। जैसे देखो ये बंदा ग्रीन लाइट में भी वेट कर रहा है, क्योंकि वो देखो वो सामने वाली गाड़ी क्लियर होगी उसके बाद ही लेफ्ट लेगा, ये अब लेगा देखो नेशा। अच्छा उधर जाम लगा हुआ है आगे की साइड, इसलिए रुक गया ये, अब इसकी लाइट हो गई है पर अब ले लेगा ये, क्योंकि क्लियर हो गया वो, देखो ऐसा सिस्टम है। ये देखो ये भी कितना बड़ा ट्रक आ गया है, देखो ये स्क्वायर वन आ गया, ये स्क्वायर वन की पार्किंग है। आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है क्योंकि ना संडे है, मैंने बताया था ना, तो वैसे तो अभी गर्मी है हो रखी है, अभी वैसे दिन के 2 बजे हैं, तो थोड़े टाइम बाद
अच्छा काफ़ी भीड़ हो जाएगी ना शाम के वक्त, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये भी फ्री है पार्किंग इनकी, पार्किंग इधर भी है उधर भी है हर साइड है, मतलब जैसे ये स्क्वायर शेप में तो चारों तरफ इसकी पार्किंग है। एक साइड तो पर्टिकुलर सिर्फ वॉलमार्ट के लिए है पार्किंग। चलो बाकी अंदर चलते हैं, ये शेरडन कॉलेज है। कॉलेज की लोकेशन तो बहुत सही है एकदम, मतलब ये मेन जो मिसिसागा का मेन एरिया है यहीं है। और जब कोई ये दिख रहा है ना, ये बस टर्मिनल है ये वाला, तो यहाँ से मतलब पूरी मेजर सिटी को, आपको ब्रैम्पटन जाना है, आपको टोरंटो जाना है, आपको कहीं भी जाना है तो आप यहाँ से बस पकड़ सकते हो। वो देखो तो ये थोड़ा कन्वीनियंस है, यहाँ तक आ जाओ फिर यहाँ से जहाँ मर्जी चले जाओ। डॉज गाड़ी वो भाई, गाड़ियाँ चार्जर डॉज गाड़ियाँ एक से बढ़ के एक हैं। ये देखो सामने टेस्ला खड़ी है, टेस्ला बहुत है यहाँ लोगों के पास, खूब दिख जाती हैं टेस्ला। तो ये देखो ये 16 इंच वाला है, 14 इंच है, एंड दिस इज फॉर द 16 इंच। हाय, या आई विल बी बाइंग टुडे, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम जस्ट मेकिंग अ डिसीजन फॉर दैट, थैंक यू सो मच। सो ये वाला है 16 इंच, ये प्रो है, इसमें मैक्स वाली चिप है, मैक्स वाली चिप लगेगी। अभी दो ही कलर ऑप्शन है तो मैं वही देख रहा हूँ, लेट ऑन सही, तो साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा इसका, मैं सोच रहा हूँ ले रहा हूँ तो सबसे बड़े साइज़ वाला ही ले लूँ। जो दूसरा हमने लिया वो वाला है 15 इंच के, चलो उसको देखते हैं क्या डील है फाइनली। कोई मैकबुक ले लिया है मैंने, और एक एयरपोर्ट्स के सेट भी ले लिया है, और यहाँ से एक बार अभी घर जाके फिर मैं आपको ना आगे का इसका अनबॉक्सिंग में वो सब आपको बाद में दिखाऊंगा। ले लिया, खर्चा कर दिया, एक मैकबुक ले लिया जो आपको दिखाया था मैंने 16 इंच वाला, वो डार्क कलर वाला, और एयरपॉड्स भी ले लिए। एयरपॉड्स तो थर्ड जनरेशन वाले लिए हैं, इस बार प्रो नहीं लिए, तो बाकी अभी तो बस सारा लेके जा रहा हूँ घर जाके, एक बार अच्छे से उसके आराम से अनबॉक्सिंग करके फिर उसको देख लेंगे वो कैसा है। बाकी लाइट अभी नीली हो गई है, देखो यहाँ लोग बाइक भी चला रहे हैं, बट ये बाइक आप सिर्फ यहाँ पे आप जो ऐसा गर्मियों वाला टाइम है जब स्नो नहीं है सिर्फ तब चला सकते हो, बाकी का टाइम आप बाइक्स होती हैं वो यहाँ पर चलानी इलीगल हो जाती हैं, क्योंकि स्नो में आप स्लिप कर जाओगे और वो सब दूनी रीजन की वजह से, तो बाइक आपकी मतलब पॉलिसी यहाँ की आपकी सरकारी मना करती है बाइक में चलानी। बाकी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, हवा इधर चल पड़ी है वापस, पर ठंडा तो नहीं है, ठीक है, अच्छा प्लेजेंट सा ही मौसम है। ये देखो ये इधर बिल्डिंग्स हैं डाउन टाउन साइड वाली, और ये मानसून मुन प्रो कंस्ट्रक्शन चल रही है किसी बिल्डिंग की, और ये आ गया घर, घर के बाहर कूड़े का ढेर देखो, पत्ता भी जहर लोग जो रहते हैं ना एक नंबर के। तो जी आ गया अपना मैकबुक प्रो 16 इंच वाला। अब ये मेरे पास इधर इतना ज़रा थोड़ा प्रोफेशनल सेटअप नहीं है, ये दूसरा, तो जी ये रहा अपना मैकबुक, अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, ये रहा ये, इन वालों नए वालों के साथ इनकी ब्रेडेड केबल और ये सब आने लग गया है, बॉक्स का तो ज़्यादा मतलब है नहीं। अब इसको खोलते हैं, ये रहा जी अपना मैकबुक, यार ये बड़ा मुश्किल है एक हाथ से भारी लेते, ये रहा ये कलर मैंने लिया फिर इसका, और ये शायद उल्टा है हाँ इस साइड से, और ये खोलते ही ऑन हो जाना चाहिए, ये रहा अपना, तो भाई साउंड इफेक्ट भी आ रहे हैं। तो ये रहा जी फाइनली मैकबुक प्रो 16, बाकी बस इसे सेटअप करूँगा अभी, ये देखो ये ऑन तो हो गया, इसको सेटअप करेंगे बढ़िया अपना और फिर आगे इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज अच्छा लगा, बाकी एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स को तो मेरे साथ कोई था उनको लेना था, तो वो उसका अलग एक खोल लेंगे, उसको यूज़ करके देख लेंगे कैसे हैं, तो बाकी यही था। और इसकी प्राइस वगैरह मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा एक बार, क्योंकि मैंने दो कार्ड से पेमेंट की थी, तो ये जो मेरे को पड़ा है ये 3400 का पड़ा है, लगभग 2,16,000-2,17,000 ऐसा कुछ का पड़ा है, और क्योंकि इसके अंदर $200 का गिफ्ट कार्ड भी था, मतलब ये मेरे को डिस्काउंट के बाद बता रहा हूँ आपको, तो स्टूडेंट डिस्काउंट के अंदर ये था कि आप अगर ये लेते हो तो $200 का गिफ्ट कार्ड दे रहे थे, तो मेरे पास एक गिफ्ट कार्ड पहले से था $200 का, कि जो पुराना वाला दूसरा वाला मैकबुक लिया था वो अभी आया नहीं, वो आएगा एयर वाला,
तो $200 उसके ऑफ हो गए, तो वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया, तो ये यहाँ आ गया। अब इसका जो 200 का मिला उसका मैं कुछ और ले लूँगा। तो बस कुल मिला के कहानी यही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी बताना कि ये वर्थ इट है या नहीं। अभी मैं इसको यूज़ करूँगा, अब जो भी वीडियोज़ वगैरह बन रहे हैं सारे इससे एडिट होंगे, और देखते हैं कैसा है। लग तो बहुत बढ़िया रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया है इस पर, इतना शायद वर्थ थी या नहीं थी वो तो अभी इवेंचुअली टाइम से पता चलेगा। चलो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, खर्चे काफ़ी हो गए हैं अब। चलो बाय।